محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. Very sadly and unfortunately, ये हमारी official 2022 रमज़ान की पहली सहरी है जो इनकम्प्लीट रह चुकी है, और सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है, अज़ान शुरू हो गई है, और ये देखें मेरी चाय रह गई है. तो बस आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम अपने ये सैड न्यूज़ से. वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप एवरी वन इज़ डूइंग वेल, और सबका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा है, और आज हमारी सहरी हुई थी इनकम्प्लीट, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, रमज़ान में ये ज़रूर होता है. और आज ऑफिशियल हमारा जो है एक सहरी हो चुकी है इनकम्प्लीट. और चलें, अब तो हो गया है टाइम ऑलमोस्ट अफ्तारी की तैयारी करने का, और चाय नहीं पी है तो थोड़ा सा हेडेक है, बट इट्स ओके. अभी मैं अपने बच्चों का जो है कमरा समेट रही हूँ, और वो लोग कपड़ा बदल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उन लोग का कमरा थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दूँ, थोड़ा गैदर कर दूँ. और ये देखें, ये सारे इनके टॉयज़ और सब कुछ इनका जगह पे रख रहे हैं. और आप बताएं, आप लोग का रमज़ान कैसा जा रहा है, और आप लोग में से कितने कितने लोगों ने सहरी मिस कर ली है या फिर इनकम्प्लीट सहरी कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं की वो भी बताएं. और ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर टाइम जो है उसका इंसान को बहुत ज़्यादा पाबंद होना पड़ता है रमज़ान में, ऑफ कोर्स, और वो भी सहरी के टाइम. अच्छा, ये देखें, ये हो गया है मेरा कमरा साफ, आई मीन बच्चों का, और नीट एंड क्लीन हो चुका है, तो ये काम तो हो गया है. एंड नाउ मूव ऑन टू द किचन. किचन में मैं जो है, ये देखें, मेरे हो रहे हैं पोटैटो बॉयल, और ये चिकन भी हो चुका है तैयार. चिकन में मैंने इसमें डाला है सिर्फ लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला एंड नमक. और अब हम देखते हैं इसमें क्या बनाना है. ये फ्रूट्स भी आ चुके हैं. अच्छा, ये देखें, अब मैं बना रही हूँ समोसे. मेरे हो गए थे समोसे ख़त्म, मैंने सोचा आज समोसे बना लेते हैं. और इस चिकन में मैंने आपको जैसे बताया, इसमें डाले हैं मैंने लाल मिर्च, नमक और हल्दी और लहसुन अदरक और गरम मसाला, बस ये डाला है. और हल्का मैं रखती हूँ स्पाइस, क्योंकि मेरे बच्चों को भी समोसे खाना अच्छा लगता है. और ये मैं कर रही हूँ समोसे होल्ड. एंड आप बताएं, आप लोग ने इफ्तारी में क्या बनाया, और कौन कौन सी नई डिशेस ट्राई की हैं, और मुझे भी कोई नई डिशेस बताएं ताकि मैं वो ट्राई करूं. एंड फ्राई आइटम्स हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज हम लोग ज़्यादातर फ्राई आइटम्स अच्छे लगते हैं बच्चों को. ऑफ कोर्स चिकन वाले आइटम्स हो, फ्राई हों, वो अच्छे लगते हैं लोग को. और ये हो गए हैं ऑलमोस्ट मेरे समोसे डन. एंड थोड़ी सी चिकन रह गई थी, तो मैं बना रही हूँ आलू के कटलेट्स. एंड आलू के कटलेट्स में मैंने आलू बॉईल किया था, आलू के साथ मैंने जो है मटर और कॉर्न्स भी बॉईल किए थे, और उनको गलाने के बाद मैंने आलू में मिक्स करके चिकन भी मिक्स कर दिया. अच्छा, इसमें अब मैं डालूंगी थोड़ा चाट मसाला, क्योंकि कॉर्स स्पाइसेस तो ऑलरेडी उसमें चिकन में थे, लेकिन थोड़ा चाट मसाला फॉर एनहेंस फ्लेवर, और साथ में डालूँगी थोड़ा और नमक. एंड अब इसको हम लोग करेंगे सही से मिक्स, एंड उसके बाद बनाएंगे हम कटलेट्स. और ये देखें, अब ये हो गए हैं सही से मिक्स, और हम अब बनाएंगे कटलेट्स. मोहम्मद या रसूल अल्लाह, मोहम्मद या हबीब अल्लाह, मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, मोहम्मद या रसूल अल्लाह, मोहम्मद या हबीब अल्लाह, मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह. ओ
ओके जी, जो कटलेट्स और समोसे तैयार हैं, अब इनको करना है फ्राई। बट उसको उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करती जाऊं, और वो ये है कि ईद गिव अवे लाइव है इंस्टाग्राम पे। जी हाँ, ईद गिव अवे हो गया है लाइव ऑन माय इंस्टाग्राम, तो जाएं और आप पार्टिसिपेट करें। और उसमें यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए भी कुछ है, तो जाएं और पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप उसमें कैश भी विन कर सकते हैं और साथ में गिफ्ट्स भी। 5 विनर्स चूज होंगे, 28 अप्रैल लास्ट डेट है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं एंड पार्टिसिपेट करें। ओके जी, तो गिव अवे में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। अच्छा, 5:45 PM हो गए हैं, तो इट्स टाइम टू फ्राई द आइटम्स और इफ्तारी की तैयारी कंप्लीट करें। और ये अब हम फ्राई करना शुरू करेंगे, और ये समोसे डाल देते हैं। सही से हीट तो नहीं हुआ था तेल, और मुझे पता नहीं था, मैंने डाल दिया, बट इट्स ओके, क्योंकि अभी फोल्ड किए हैं समोसे तो हो जाएंगे फ्राई। और यहाँ हम कर लेते हैं अपना प्लेटर तैयार, जिसमें हम उसको निकालेंगे समोसे फ्राई करके। और ओके, तो नाउ इट्स टाइम टू टर्न ओवर, और ये देखें ये फ्राई हो रहे हैं, एंड समोसे तो फ्राई हो रहे हैं। अब साथ में जो है फ्रूट्स भी कटना शुरू हो गए हैं, और ये देखें फ्रूट्स कट रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट समोसे हो गए हैं। तो लेट्स टेक देम आउट एंड ट्राई करते वक्त बहुत ख्याल करा करें आप लोग, अपना भी और बच्चों का भी। ऑफकोर्स बच्चों को किचन में नहीं आने दिया करें, फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे किचन में नहीं आए। खैर, ये देखें ये हो गए फ्राई, अब दूसरे हम डाल देते हैं, और फ्रूट्स कट गए हैं, और ये देखें अब फ्रूट्स में हमने चीनी तो डाल दी है, अब हम डाल रहे हैं चाट मसाला, एंड हम डालेंगे टैंग। हाँ, टैंग भी डोला सा डालते हैं ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आए, और बहुत मज़े का हो जाता है, खट्टा मीठा सा फ्रूट चाट हो जाता है। तो ये हमने डाल दिया है टैंग, और ये मैंगो फ्लेवर वाला टैंग था, तो कर रहे हैं मिक्स, और फ्रूट चाट भी हो गए हैं हमारे रेडी। अच्छा जी, कटलेट्स डाल दिए हैं मैंने फ्राई करने में, कटलेट्स को मैंने कोटिंग की है विद एग, और अब ये देखें इनको टर्न ओवर कर दिया है, और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। समोसे रेडी हैं, कटलेट्स फ्राई हो रहे हैं, और ऑलमोस्ट हमारा जो है अफ्तारी का टाइम हो गया है, एंड दैट्स इट। और ये देखें, इसको मैंने इस तरह से कोटिंग की थी, सिर्फ एग में कोट किया था, जो मैंने पहले कटलेट्स बनाए थे उसको ब्रेड क्रम्स के साथ भी कोट किया था, बट दिस टाइम थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, तो उसको मैंने थोड़ा सिर्फ एग में कोट किया है, और बहुत ही फैली ना बहुत नरम से बनते हैं और बहुत मज़े के होते हैं, तो इसको एग में कोट करके मैंने फ्राई कर लिए हैं। आप बताएं आप लोग किस तरह कटलेट्स बनाते हैं, बिकॉज़ कटलेट्स की भी बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, और किसको किस तरह के कटलेट्स पसंद हैं वो भी बताएं। एंड ये देखें ये हो गए हैं फ्राई, तो ऑलमोस्ट अफ्तारी होने वाली है। ये हमने ये भी प्लेटर में निकाल लिए हैं, एंड वी आर डन विद आर इफ्तारी प्रेपरेशन, और अब हम मिलते हैं आपसे इफ्तार के बाद। يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد। ओके जी, तो इफ्तारी हो चुकी है, नमाज़ भी पढ़ लिया, और ये देखें चाय तैयार है। अब मैं आराम से सुकून से चाय पीऊँगी, क्योंकि मैं सुबह नहीं पी पाई थी। क्या मुसीबत आ गई है? हाँ जी गाइस, तो मुसीबत आ गई है, और ये मुसीबत ये है कि मैंने ले ली थी बहुत अच्छी सी नैप अफ्तारी के बाद, और अब हो रहे हैं 12:30 बज रहे, और 12:30 बजे नहीं, लाइट गई हुई है हमारी आई गेस 11:30 बजे की, तो एक घंटा हो गया है, और हम आगे बैठ गए गाड़ी में, क्योंकि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था घर में, और अब बस यही दुआ है कि लाइट आ जाए। होप यू लाइक दिस व्लॉग, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट टाइम।